महागणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर AK चौबे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं चर्चा कर रहा हूँ कि अक्टूबर मास के लिए विशेष, हर राशि के लिए विशेष, यानी बुध जो हैं मार्गी हुए, बुध सूर्य और शुक्र के साथ आपस में बहुत योग बन रहे हैं, कई योग बन रहे हैं राशियाँ, तो मैं वो सब चर्चा कर रहा हूँ विशेष तरह हर राशि के बारे में। अब तक चर्चा करते करते मैं धनु राशि पर आ गया हूँ। अब देखिए, धनु राशि के बारे में देखता हूँ मैं, कैसा ग्रह गोचर है, कहाँ कौन कौन ग्रह बैठा है और कैसा लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो धनु राशि के लिए, धनु राशि खुद लग्न में है, नवी राशि, और शनि जो है मकर राशि में धन भाव में बैठे हैं, दूसरे भाव में, भाई भाव, और बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे हैं, उच्च के हो गए मीन राशि में। तो बृहस्पति नवम यानी धनु राशि को भी कृपा करेंगे, धनु राशि भी अच्छा करेगी और बृहस्पति की मीन राशि भी अच्छा करेगी। मंगल छठे भाव में है और मंगल की दृष्टि जो है बारहवें भाव पर जा रही है। मंगल की 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि कहाँ है, नवम भाव में, यानी भाग्य भाव में। 5, 6, 7 आठवीं दृष्टि लग्न पर जा रही है मंगल की। और देखिए, सूर्य बुध शुक्र कहाँ बैठे हैं भाई, सूर्य बुध शुक्र बैठे हुए हैं दसवें भाव में, यानी कर्म स्थान में, व्यापार के स्थान में, नौकरी के स्थान में, जहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो बृहस्पति केंद्र में बैठकर हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, बुध शुक्र केंद्र में बैठ करके बुध भी अपना भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं शुक्र के साथ मिलकर के, और सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं। और देखिए, शनि तो बैठे हैं धन भाव में। तो सारे ग्रहों की मैंने देख लिया दृष्टियाँ, और बैठना धनु राशि के लिए एकदम कमाल का है। आप देखिए, चर्चा करता हूँ मैं। शनि जो है धन भाव में है, तो धन भाव के शनि चाहे स्लो धन दें पर धन तो देंगे ही। धनु राशि वालों को शनि पर, शनि की कृपा हो रही है, धन मिल रहा है शनि द्वितीय भाव में बैठ करके, और शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है देखो, चौथे भाव में, जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो चौथे भाव के बृहस्पति, सुख स्थान के बृहस्पति, धन स्थान के शनि बृहस्पति को बल दे रहे हैं, यानी सारा सुख स्थान का, भूमि, भवन, बंगला, गाड़ी, माता का सुख, सब कुछ जातक को मिल रहा है। जातक सारे सुख साधनों को पा सकेगा और सुख साधनों को पा करके अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताएगा, बड़ा बड़ा बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ी, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति बैठे हुए हैं, शनि धंधे के माला माल कर रहे हैं और बृहस्पति पर दृष्टि डाल के बृहस्पति की कृपा हो रही है, और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है दशम स्थान में, कर्म स्थान में। तो कर्म स्थान में जहाँ बुध शुक्र सूर्य बैठे हुए हैं, सम सत्ता योग बन रहा है बृहस्पति का, उच्च के बुध कन्या राशि में, जहाँ शुक्र का नीच भंग कर दिया, शुक्र जो है नीच के आए कन्या राशि में, लेकिन बुध वहाँ बैठे हुए हैं उच्च के, और बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो डबल डबल नीच भंग राजयोग हुआ, बुध आदित्य राजयोग हुआ, भाई क्या कहने, लक्ष्मी नारायण योग, भद्र महापुरुष राजयोग, यानी धनु राशि वालों के लिए तो योगों की श्रृंखला लगी हुई है, एक के बाद एक योग बढ़ रहे हैं, यानी और उसके बाद फिर नवम पंचम योग अलग है, बुध का शनि का, बुध का शुक्र का शनि का, मंगल का भी बुध का शनि का, सबका त्रिकोण बन रहा है नवम पंचम। आप गिन लीजिए, मंगल से गिन लीजिए, आप मंगल से गिन लीजिए बुध शुक्र पंचम स्थान में, और बुध शुक्र से मंगल नवम, तो नवम पंचम बन गया, और उधर से शनि का देखिए, शनि से बुध शुक्र का, शनि का पंचम और शनि से नवम, तो तीन तीन शनि यानी कन्या राशि में और वृषभ राशि में और मकर राशि में, तीनों में बैठे हैं आप, तो ये ट्रायंगल बनता है नवम पंचम, नवम पंचम, नवम पंचम। तो ये जो है स्पेशल योग है, इसके कारण धनु राशि वाले तो अपार धन पा रहे हैं, अपार सुख पा रहे हैं, भूमि, भवन, गाड़ी, बंगला, व्यापार में लाभ,
नौकरी मिला, तरक्की तरक्की सब कुछ पा रहे हैं भाई। और छठे भाव में मंगल बैठ करके, अष्टम भाव में मंगल की, बारहवें भाव में मंगल की अष्टम राशि है, वृश्चिक राशि है, तो विदेश से तो लाभ करा रहे हैं, विदेश में दृष्टि विदेश भाव में जा रही है, विदेश से लाभ मिलेगा, विदेश से व्यापार बढ़ेगा, विदेश से नौकरी व्यापार के बड़े बड़े ऑर्डर्स आएंगे भाई। तो आप देखिए धनु राशि वालों को क्या कहूँ मैं, मंगल की कृपा, और देखिए राहु की और केतु की कृपा, राहु बैठे हैं पंचम भाव में, और पंचम भाव में बैठकर राहु संतान को कृपा दे रहे हैं, और केतु को सप्तम में, केतु जो ग्यारहवें भाव में बैठे हैं सप्तम राशि में, तो आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं और बड़ा लाभ कमा रहे हैं, संतान से लाभ मिल रहा है, संतान को लाभ मिल रहा है, तो भाई ये तो बहुत कमाल हो रहा है। धनु राशि वालों, बाबा बल्ले बल्ले हो रही है, आपको करोड़पति नहीं बल्कि आप तो अरबपति पार्टी हैं, अरब। तो धनु राशि वालों अरबपति योग है, आप तो महाधनी राशि हैं, धनी अति धनी भी नहीं, महाधनी यानी अरबपति, आपको तो सब तरह से लाभ लाभ मिल रहा है, यानी इतने सारे योग बन रहे हैं। बृहस्पति का हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है, देखिए बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे हैं, हंस महापुरुष राजयोग बना करके बृहस्पति का ही एक योग बड़े सुख देगा आपको। और बृहस्पति की दृष्टि कर्म स्थान में, जहाँ और ऑलरेडी बुद्ध आदित्य राजयोग, शुक्र का निज भंग, और लक्ष्मी नारायण और बुद्ध भद्र महापुरुष, पता नहीं क्या क्या सारे जो है चतुर्थ में और दशम में हो रहा है भाई। और शनि धन भाव में बैठे हुए हैं, उसके ऊपर सोने में सुहागा शनि कर रहे हैं, वैसे ही बृहस्पति बुद्ध सूर्य सूर्य शुक्र सब अच्छा कर रहे थे, नवम पंचम का लाभ मिल रहा था, और शनि ने धन भाव में बैठ करके धनाधन धन की बारिश कर दी आपको। तो धनु राशि वालों, तो आप तो अति सुख महान सुख पाएंगे, पैसा पाएंगे, तरक्की पाएंगे, लाभ पाएंगे, सब तरह से संतान को लाभ मिलेगा, बीमारियां दूर होंगी, छोटी मोटी बीमारी की जो उधर विकार पेट में ये खांसी जुकाम बहुत अलग बात है, कुछ वैसे कोई बड़ी बीमारी का कोई योग नहीं है। तो आपको तो बड़े लाभ मिल रहे हैं, मंगल से भी लाभ मिल रहे हैं, और देखिए एक दो तीन चार पाँच चौथी दृष्टि मंगल की पड़ रही है, एक कहाँ मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, भाग्य भाव है क्या कह रहे हैं, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है सातवीं दृष्टि लाभ भाव है, तो मंगल भी कृपा कर रहे हैं, लाभ भाव में लाभ ही लाभ दे रहे हैं, भाग्य भाव में भाग्य बढ़ा रहे हैं, भाग्य बढ़ने का मतलब पैसा है ना। तो धनु राशि तो अरबपति राशि है, धनु राशि वालों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और कमेंट में श्री गणेश नाम लिख करके भगवान गणेश का आशीर्वाद पाओ और आनंद करो मित्रों। तो मैं अब यहाँ रुकूँगा, नमस्कार।